हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल EDUCM लाइव क्लासेस। देखो, आज का टॉपिक अपना ऑफ टॉपिक है, ठीक है। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि एक तरह से इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए, ठीक है। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक SSC है, बैंकिंग है, या फिर कोई भी और एग्जाम है, लाइक आपकी UPSC एग्जाम है, आपका कोई भी रेलवे एग्जाम, जो भी एग्जाम है, उसके लिए आपको इंग्लिश कॉम्पिटिशन, इंग्लिश आपको कैसे इंप्रूव करनी है, उसको कैसे बिल्ड करना है। देखो, बात कर रहे हैं कि कई लोग मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है, कई लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से होते हैं, कई तो लेकिन मैथ्स को कई लोग कवर कर लेते हैं, इंग्लिश फिर भी उनके लिए एक तरह से कि ऐसा बनता है कि यार मैं इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करूं, क्योंकि हर बार उनको लगता है कि जो वर्ड वो पढ़ रहा है, जो वो चीज़ों को पढ़ रहा है, या फिर जो भी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहा है, पैसेज सॉल्व कर रहा है, उसके उसके लिए वो नया है, मतलब उसके लिए उन्होंने पहले कभी इसको देखा ही नहीं, तो उसको सोल्व करना है, उसको अपने को दिमाग में रख के काम करना है कि हमको कैसे इंप्रूव करें। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर SSC, बैंकिंग और एनी एग्जाम। मेरी बात करूँ तो मेरा CGL मेंस 2017 के अंदर इंग्लिश के अंदर स्कोर था 161 मार्क्स। तो मैंने इसको कैसे अचीव किया? देखो, ऐसा नहीं कि 161 काफी हाई फाई मार्क्स हैं, देखो हाई फाई तो 180 के आसपास होता है, लेकिन फिर भी 161 इज क्वाइट, यू नो, ठीक, अच्छे अच्छे मार्क्स हैं। तो मैं मेरी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ कि मैंने किसको कैसे डील किया होगा इंग्लिश के साथ में, और आपको बताया 2017 का अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है, लेकिन कोई बात नहीं, रिजल्ट आता रहेगा, नहीं आए तो अभी कोई बड़ी बात नहीं है, इस साल को क्लियर कर लेंगे। लेकिन जो 161 मार्क्स हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे मैंने पढ़ा होगा, तो आपको सारा कुछ देखना है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखें, कुछ आपको फनी थिंग्स भी बताऊंगा इसके अंदर मैं, जो आपको लगेगा वर्क नहीं करती बट वो वर्क करती है एक्चुअल में, और मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। बात करते हैं, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि गेस वेयर यू आर, एक्चुअल में आपको अपने आप को पहचानना होगा कि आप कहाँ पर हैं। कहाँ पर है मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को लेके यदि उसको स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाए इंग्लिश लैंग्वेज को, तो उसके सामने आप कहाँ पे होते हैं। मान लो कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, और कई देखो कई लड़के इंग्लिश में भी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं लोगों के। मैं बात करता हूँ एक नॉर्मल गाय की, जो भी एक तरह से विलेज से बिलोंग करता है, या फिर ऐसे मतलब कि जिसने हिंदी मीडियम से अपनी ट्वेल्थ करी है, लाइक मी, मैंने ट्वेल्थ तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ मैं, लेकिन फिर भी उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसमें कोई आपका जो आपकी करंट जो आपकी हार्ड वर्किंग होती है वो मैटर करती है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि वेयर एवर यू आर, कि आपको पहचानना, अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है कि आप बिलो पार हैं या फिर मीडियम हैं या फिर ओवर पार हैं, ठीक है। बिलो पार मतलब जो आपका स्टैंडर्ड जहां से आपका सिलेक्शन मिल सकता है उससे आप नीचे आते हैं, आपको पता चल जाता है। आप जब टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपको जब रिजल्ट आता है इंग्लिश का, तो आपको पता लग जाता है कि यार मैं तो मेरे नंबर तो 50 में से, जैसे प्री की बात करें, 50 में से मेरे 20 नंबर आ रहे हैं या फिर 15 आ रहे हैं, ठीक है, या 25 भी आ जाते हैं कभी बार, तो आप एक तरह से मान के चलो बिलो पार हैं आप। दैट मीन्स कि आपको जो लेवल होना चाहिए था वहां तक आप रीच नहीं कर रहे। यदि आपके नंबर ठीक ठाक आते हैं, मीडियम है तो मीडियम, या फिर ओवर पार अच्छे नंबर आ रहे हैं आपके, मोर देन 35-40 प्लस नंबर आ रहे हैं, सो आपके ठीक है। मैं बात करना चाहता हूँ उन गाइज की, उन एस्पिरेंट्स की, जो कि एक तरह से नॉर्मल वे में हैं, लाइक 30-40% कवर होता है उनसे। कभी बार उनको लगता है कि जो उन्होंने वर्ड पढ़ा है उनको याद नहीं हुआ, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं, आपको भी लगता होगा यार कितने वर्ड्स हैं, कितने याद करेंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो टेक्निक और वो एक तरह से फिलोसफी, जिसको आप अपना के उस चीज तक रीच कर सकते हो जो मैंने एक तरह से मैंने अपनाया है और मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। नो डाउट मेरे नंबर कितने आ रहे मुझे नहीं पता, जब मैं अब पेपर सॉल्व करता हूँ, चाहे वो बैंकिंग का पेपर हो चाहे SSC का हो, मुझे लगता है कि हाँ मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है यदि मैं इंग्लिश की बात करूँ तो। तो पहले आप डिसाइड करेंगे आप कहाँ पर हैं, बिलो पार हैं। देखो पार वर्ड होता है, देखो इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो बता देता हूँ मैं, पार वर्ड जहाँ पर भी आता है उसका मतलब होता है कि आप कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कंपेयर में भी पार आता है, ठीक है, कंपेयर में भी PAR वर्ड आता है, ठीक है। एक वर्ड होता है जैसे पीयर, PEER, पीयर का मतलब होता है कि वो लोग जो अपने साथ काम करते हैं, सहकर्मी, इनको हम बोलते हैं पीयर यानी सहकर्मी, तो वो बिलो एकदम बिल्कुल अपने लेवल में काम करते हैं ना, तो पार वर्ड कहीं ना कहीं आपको पता है कि ऐसे आपको याद करना चाहिए। तो मैंने इसको कैसे कनेक्ट किया है, रूट वर्ड से कनेक्ट किया है, तो आपको मूल शब्द पता होना चाहिए। यदि मूल शब्द आपको पता है तो आप उसको पता लगा सकते हो कि ये मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये किससे आया होगा, ठीक है। मूल शब्द आपको पता होना चाहिए, रूट वर्ड पता होना चाहिए, फिर आपको वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, फिर भी आप उसको कैसे न कैसे करके गेस कर सकते हैं कि हाँ इसका ये मीनिंग होता होगा। तो आपको पता करने की आप कहाँ पर हैं। आगे स्टेप बढ़ते हैं तो स्टार्ट विद द बेसिक्स। मुझे बताओ कि मान लो कि आप किसी नए शहर में जाते हैं, नई सिटी में जाते हैं, क्या आपको पहले दिन उसके सारे डेस्टिनेशन का पता लग जाता है कि कौन सा डेस्टिनेशन किधर है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप वहां पे एक महीने रहते हो, दो महीने रहते हो, फिर धीरे धीरे आपको पता लग जाता है कि यार ये जो स्ट्रीट है इधर जाती है, ये आपका जो मार्ग इधर जाता है, ये जगह यहाँ पर है। क्यों? आपने उसको याद किया? नहीं याद किया आपने उसको, आपने उसको बिल्कुल याद नहीं किया। आप उसको बुक की तरह उसको रटे नहीं बैठे कि हाँ यार ये गली इधर है,
ये आपका राइट लेना है, इधर से लेफ्ट लेना नहीं, बिकॉज वो आपको याद इसलिए हुआ कि आपने उस पेवमेंट को या फिर उस पाथ को बार बार फॉलो किया है, आपने उस पाथ से बार बार चले हैं, तो वो पाथ आपके दिमाग में सेट हो गया, उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी मेमोरी के अंदर, परमानेंट मेमोरी के अंदर सेव हो चुका है, उसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि आपको, आपने बिना सोचे समझे उसको याद कर लिया। क्या ऐसा आपकी स्टडी के साथ भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वही बात है, आपको बार बार उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। सो स्टार्ट विद योर बेसिक्स, डू रीड ए लॉट ऑफ बुक्स। अब मैंने यूं क्यों बोला कि बुक्स पढ़ो, क्योंकि आपको पता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन कहां से बनता है, आपको पता है ग्रामर से बनता है। सेंटेंस फॉर्मेशन आप जब बार बार पढ़ोगे, सेंटेंस को बार बार पढ़ोगे, एक सेंटेंस की बात नहीं करा मैं, जैसे आपने कोई नॉवेल लिया, ठीक है, आपने कोई बुक उठाई, आपने कोई पेपर लिया, उसको आप पढ़ रहे हैं, आपने दूसरे दिन पढ़ा, आप पढ़ते रहते, नए नए पेपर आते हैं उसको पढ़ते रहते हैं, तो आपके दिमाग के अंदर वो स्ट्रेटजी बनती है कि हाँ यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आया है, यहाँ ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पोजेशन आता है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगता है, यहाँ पे आपके कोई आपका वन ऑफ द आता है, यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे प्लूरल, ये तो चीजें होती हैं, किसी को सिखाता नहीं है, लेकिन धीरे 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 आप यदि पढ़ते हैं बहुत सारा, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो फिलोसफी बन जाती है कि हाँ देखो ये सब्जेक्ट यहीं पर आ रहा है, इसकी जगह यहीं होनी चाहिए, है कि नहीं, आप मानते हो उस बात को? तो आपने सोचा भी नहीं कि मुझे रटना है, और आपको समझ आ रहा कि नहीं आ रहा डजंट मैटर, बट यदि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करना ना, तो आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, और इतना पढ़ने से आपको लगता क्या है, पता है आपको क्या लगता है, कि जहां आपकी नाउन आनी चाहिए थी ना, वहां आपको फीलिंग आने लग जाएगी, यहां इसने नाउन आनी चाहिए थी, इसने एडजेक्टिव लिखा हुआ है, या फिर चलो नाउन और एडजेक्टिव का भी नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको फीलिंग आएगा कि यहां इसने कुछ गलत यूज किया है कि नहीं, आप इस बात को मानते हैं, है ना। सो ये चीज होती है, डू रीड ए लॉट ऑफ बुक्स, नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट रीडिंग बेटर एंड फास्टर। अच्छा पढ़ो और फास्ट पढ़ो, है ना, अच्छा पढ़ो और फास्ट पढ़ो, इसको सब्स्टिट्यूट कोई चीज नहीं कर सकती, आपके जो बेसिक्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। आपने कोई नाउन नहीं पढ़ना, कोई एडजेक्टिव नहीं पढ़ना, और आप पढ़ भी हो तो अच्छी बात है, आपको पता होगा, लेकिन एक सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है ये आपको पता कब लगेगा, जब आप बहुत सारा पढ़ते हैं। चलो आगे के स्टेप पर बढ़ते हैं, आगे के स्टेप में मैंने क्या लिखा आपके लिए, एंड द बिल्डिंग ब्लॉक इज, नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंग्लिश, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। सो इंग्लिश लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक इन द सेंस कि आपको यदि पूरा मकान तैयार करना है, तो उसमें आपकी छोटी छोटी ईंटें होती हैं, वो क्या चीज है? तो आपको साफ को पता है कि इसका मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लैंग्वेज, है ना। जैसे आपको हिंदी सीखनी है, चलो अपने हिंदी मदर टंग है, फिर भी किसी को हिंदी सीखनी होती है तो क्या सीखता है वो? सबसे पहले आपके वर्ड्स को सीखता है कि वर्ड्स का क्या मीनिंग है, सबको शब्दों का मीनिंग जानता हो, उसी तरीके से आपको वोकैबुलरी, इंग्लिश वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपको पूरा सेंटेंस बना हुआ है, पूरा सेंटेंस बना हुआ है, उसके अंदर मान लो तीन ऐसे वर्ड है जो आपको नहीं आ रहे, तो आप चांसेस यही बनेंगे कि आप उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सही बात है, इजंट इट, करेक्ट है ना। सो बिल्डिंग ब्लॉक अपने जो इंग्लिश लैंग्वेज का है वो वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी को आप बार बार पढ़ें, आपको कोई भी वर्ड एक बार रटना नहीं होता है, वर्ड्स इतने हैं कितने रट लोगे आप, बट कुछ आपके स्पेशल आपके अप्रोच होती है, कुछ आपके स्पेशल मेथड्स होते हैं, बार बार उनको पढ़ना पड़ता है। आपने पेपर लिया, आज के वर्ड्स लिखे, टॉप 10 वर्ड्स लिखे आपने, एक बार लिख लिया आपने, एक बार याद कर लिया, यदि आपने उसको बाद में कभी नहीं पढ़ा, 10 दिन बाद में पूछ लेना, आपको शायद ही कोई वर्ड याद रहे। और यदि आपने 5-5 मिनट दिन में डिसाइड कर लिया कि मुझे 5 मिनट के अंदर इन वर्ड्स को एक बार नजर मारनी है, तो ये आप गारंटी ले लीजिए कि आपको 10 दिन बाद में उनमें से 5-6 वर्ड जरूर याद हो जाएंगे। बिकॉज यदि आपका माइंड किसी चीज के थ्रू बार बार उसको गो थ्रू होता है, तो आपको चीजें परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाती हैं और आपको पता नहीं लगता। बड़ी बात होती है, आपको पता नहीं लगता कि वो कब सेव हो गई। सो अपना जो मुद्दा है, पर्पज, वो यही है कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो वोकैबुलरी है। जितनी ज्यादा आप वर्ड्स पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा वर्ड्स पढ़ें, और साथ में उसका पार्ट ऑफ स्पीच जरूर पढ़ें। बिकॉज कोई वर्ब होता है, कोई आपका नाउन होता है, कोई आपका एडजेक्टिव होता है, कोई आपकी एडवर्ब होती है, ठीक है, कंजंक्शन होते हैं, आपके इंटरजेक्शन होते हैं, तो ये जो होता है ये आपको बोलते हैं इसको पार्ट ऑफ स्पीच। जो आपने वर्ड बोला, वो आपने नाउन संज्ञा बोला, प्रोनाउन यानी सर्वनाम बोला, वर्ब यानी क्रिया बोला, क्या बोला आपने, तो वो आपको पता होना चाहिए साथ में। सो वर्ड को पढ़ना है, उसका मीनिंग पता होना चाहिए, बट साथ में पार्ट ऑफ स्पीच को नेग्लेक्ट नहीं करना है। यदि आप बिलो पार से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यदि आप मीडियम और अबव पार हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये तो नाउन है, ये वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है। बट यदि बिलो पार से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको उसका पार्ट ऑफ स्पीच आना बहुत जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं वोकैबुलरी को कैसे आपका इंप्रूव किया जाए। तो देखो,
मैंने जो एक तरह से अप्लाई किया, जो मेथड मैंने सोचा कि हाँ मेरे को लगता है कि इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो सकती है, तो मैंने जो अप्लाई किया वो आपके सामने है। बुक्स की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए। देखो सबसे अच्छी बुक की फोटो आपको दिखाई दे रही है, मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर बुक, इससे आपको बेस्ट बुक मिल सकती है फॉर योर वोकैबुलरी बिल्डिंग। एंड व्हाई दिस इज बेस्ट, आपको रीजन बताता हूँ उसके पीछे मैं। इस बुक के अंदर जो आपकी वर्ड पावर मेड इजी बुक है बाय नॉर्मन लेविस, सो इसके अंदर क्या ऐसा है जो आपको और कहीं नहीं मिलता, और मिलता भी है लेकिन इस वाले मेथड से आपको कहीं नहीं मिलता, वो देखता। इसके अंदर आपको कुछ स्टोरीज दी हैं, कुछ कहानियां दी हैं, ठीक है, कुछ कहानियां दी हैं। उस कहानियों का एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उस वर्ड के लिए, जो वर्ड आपको बताने वाला है इस बुक के अंदर, उस वर्ड के लिए उसने कहानी बताई है कि वो वर्ड कहां से आया है, उसका फॉर्मेशन क्यों हुआ, उसके अंदर रूट वर्ड कौन सा है, यानी उस रूट वर्ड के पीछे कहानी क्या है। मुझे बताओ, घर बनाते हैं सबसे पहले क्या बनाते हैं, फाउंडेशन, न्यू बनाते हैं। सो आपको वर्ड याद तो करना है, बट उस वर्ड के पीछे कहानी क्या है वो आपका बेस तैयार करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी चीज, ऐसी आपकी नई एक तरह से थिंकिंग मुझे इसी बुक में देखने को मिली। मैंने इस बुक को काफी बार रिवाइज किया है, और मान के चलना रूट वर्ड्स की बात करते हैं, जब आपकी रूट वर्ड्स की बात होती है तो ये बुक बेस्ट है। देखो ऐसे आप रूट वर्ड्स रट लो, ये बुक आपको समझाएगी, रटाएगी नहीं, आपको समझाएगी, आप में कॉम्प्रिहेंड करेगी आपको कि वो वर्ड कहां से आया है। और जब आपको पता लग जाएगा कि वो वर्ड कहां से आया है, कुछ प्रोबेबिलिटी तो आपकी बढ़ेगी कि आप उस वर्ड को नहीं भूलोगे। देखो वर्ड को रटना, उसको समझना डिफरेंट थिंग्स है, उसको समझाएगा ये बुक, है ना, ये बुक आपको उसको समझाएगी वर्ड कहां से आया। दूसरी थिंग जो मैंने फॉलो करी वो थी आपकी द हिंदू पेपर। द हिंदू पेपर होते हैं, उसके अंदर आपके अच्छी न्यूज भी आती है, लेकिन उसके अंदर जो बीच वाला पेपर आते हैं आपके, जिसको अपन एडिटोरियल्स बोलते हैं, ओपिनियन बोलते हैं, आपके लीड बोलते हैं, कॉमेंट्स बोल सकते हैं, कार्टून बोल सकते हैं, वो सारे जो होते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अंदर आपको सोशल इश्यूज देखने को मिलते हैं। उन सोशल इश्यूज के अंदर आपको पता है जो द हिंदू के राइटर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा एक तरह से वेटरन होते हैं या फिर कॉनोजियर होते हैं, स्किल्ड पर्सन होते हैं अपने क्षेत्र के अंदर। तो वो ऐसे वर्ड्स लेके आते हैं जिनसे आप शायद ही कभी रूबरू हों। तो द हिंदू पढ़ना स्टार्ट कीजिए ऑन द डेली बेसिस। मुझे पता है द हिंदू पढ़ोगे तो शुरुआत के एक महीने, डेढ़ महीने, दो महीने ऐसा लगेगा कि क्या हो क्या रहा है, है ना, बिल्कुल आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बट इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको वो पढ़ना है, और उसके अंदर क्या क्या वोकैबुलरी आ रही है वो आपको देखनी है और आपको लिखनी है। आप एक नई एक तरह से रजिस्टर बनाएं, ठीक है, एक नया स्पाइरल खरीदें, उसके अंदर डे टू डे टॉप 10 टॉप 20 वर्ड्स लिखें। स्टार्ट आप 10 वर्ड से कर लें, मैं नहीं कहता आप 50 के 50 वर्ड लिखें। देखो आप में एडिटोरियल्स बहुत सारे आते हैं, एक एडिटोरियल पिक करें जो आपके लेवल का है। दैट मींस कि ऐसा नहीं कि आपको मान लो पॉलिटिक्स पसंद है नहीं और आपने पॉलिटिक्स का चैप्टर उठा लिया, नहीं, आप चाहें तो स्पोर्ट्स से ले लें, आप चाहें तो फिलोसफी से ले लें, आप चाहें तो फिक्शन ले लें, कुछ भी ले लें, आप जो आपको पसंद है उसको पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट बनेगा। देखो द हिंदू को पढ़ना इतना आसान नहीं है, बता दूं आपको मैं, कि उन लोगों के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, कई लोग तो आपको पता है बहुत ही अच्छे से फ्लुएंटली पढ़ लेते हैं, मैं भी अभी फिलहाल उसको द हिंदू को बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। सिर्फ आप एक एडिटोरियल को पिक कीजिए, उसमें आपको एक डेढ़ घंटा लग ही जाएगा, क्योंकि आपको हर एक मीनिंग पढ़ना पड़ेगा। आप डिक्शनरी खरीदिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खरीदिए, उसके अंदर से मीनिंग देखिए, बहुत सारे आपके ऑनलाइन सोर्सेज हैं, आपकी बहुत सारी डिक्शनरी हैं, उनको आप लीजिए। खास बात यह कि उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना चाहिए और मीनिंग बताना चाहिए। आप उन वर्ड्स को लिखिए, जब नेक्स्ट डे उन वर्ड्स को फिर से आपके नए वर्ड्स आएंगे तो उन पहले वाले वर्ड्स को नजरअंदाज मत कीजिए, ओवरलुक मत करना, उनको देखना है पहले। 5 मिनट उनके लिए डिसाइड करो आप कि 5 मिनट मुझे वो पहले वाले वर्ड देखने जो मैंने कल लिखे थे। आप उन वर्ड्स को बार बार देखोगे, बार बार देखोगे। मैं आपको रियल बताता हूँ मेरी सिचुएशन, जब मैंने स्टार्ट किया था मैं एक तरह से बच्चे की तरह पढ़ता था, बिल्कुल जैसे आपके चौथी पांचवी क्लास में बच्चे होते हैं ना, कि वो पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा यदि आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है। तो द हिंदू पढ़ो ऑन द डेली बेसिस, ठीक है, आपके पास सबके पास आजकल नो डाउट सबके पास स्मार्टफोन है, द हिंदू की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ें, एडिटोरियल सेक्शन को पढ़ें बार बार उसको, और नए वर्ड्स को लिखें। कुछ आपके वोकैबुलरी उसके अंदर नहीं आएगी, कुछ आपके फ्रेजेस इंपॉर्टेंट आएंगे। देखो फ्रेज जो होती है, ईडियम फ्रेजेस, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके वर्ड्स याद हो जाएंगे लेकिन फ्रेज इतनी होती है कितना याद कर लोगे। उनको बार बार पढ़ो, उनको बार बार पढ़ने से आपको याद होगा। सो दैट इज द वे विच आई फॉलोड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन ऑफ द वोकैबुलरी बिल्डिंग, है ना, जो मैंने वोकैबुलरी को बिल्ड किया। तो ये प्रोसेस थी, वर्ड पावर मेडिटेशन को मैंने कम से कम 3-4 बार पढ़ लिया है। आप उसको पढ़ें और आप अपने आप में फीलिंग डिफरेंस, आप डिफरेंट फील करेंगे जब इसको पढ़ेंगे आप, ठीक है। और भी बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये दो चीज मेरे को लगी
जो कि एक तरह से कंक्लूजन है, समअप है या फिर समन सब्सटेंस है। इन अ नटशेल आपको मैंने बता दिया कि ये आपके एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है। वोकैबुलरी इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये मुझे लगता है, ये मैं फील करता हूं, क्योंकि मैंने जब इसको इंप्रूव किया ना तो मेरे जो लेवल था वो अपने आप एक तरह से इंप्रूव हो गया। बात करते हैं, नाउ वी विल लुक इनटू द ग्रामर। ग्रामर पोर्शन आपका एक तरह से आपको पता है कि होना चाहिए आपका, तो इसके लिए मैं कुछ आपके पास सिंपल सी बात है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स अपने पास, ठीक है। ग्रामर आपकी या तो पहले से स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, या फिर आपको इंप्रूव करनी है। देखो, ओवरनाइट सक्सेस आपको इंग्लिश के अंदर नहीं मिलेगी, मान के चलना एक महीना दो महीना के अंदर रिजल्ट नहीं आएगा। ये जो चीज है, यदि आपने एक साल कर लिया ना कंटिन्यूअस दिल से, आपका एकदम से रिलीजियसली मतलब एकदम धर्म की तरह मान के कि हाँ मेरा परम कर्तव्य, मेरा परम जो काम है वो यही है, तो आप मान के चलना एक साल के अंदर आपको रिजल्ट देखना इसमें स्टार्ट हो जाएगा। देखो, उससे शॉर्ट टर्म में बात नहीं कर सकता, मैं नहीं कहता कि मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वो दो महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। आप उसको कंटिन्यू फॉलो करें, कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए, परसेवरेंस होनी चाहिए उसके अंदर में। ये नहीं कि आपने 15 दिन पढ़ा और बाद में 15 दिन का गैप दे दिया, बाद में 1 महीने पढ़ लिया फिर 1 महीने का गैप दे दिया, मान के चलना ऐसा कुछ नहीं होगा। कंटिन्यू पढ़ें, चाहे 1 घंटे चाहे 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ेंगे तो यह कुछ याद होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं मेरे पास जो मैंने ग्रामर के लिए इंक्लूड करी आपके लिए। पहली है एमी पब्लिकेशन की बुक आती है, और राइटर हमारे पास ए के सिंह, उनकी बुक आप पढ़ें, ठीक है। एक बुक आती है ग्रामर के लिए, एक बुक आती है इसमें आपके सॉल्व पेपर्स आते हैं। ग्रामर पहले पढ़े, एक टॉपिक कवर कर लिया, एक टॉपिक कवर करने के बाद में आप पेपर सॉल्व करें। आपको लगेगा कि यदि उस पोर्शन के अंदर से जो आपने कवर किया है यदि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आपने बहुत अच्छा किया है। एक एसपी बक्सी की बुक है, वो भी अच्छी बुक है। सॉल्व पेपर एज मच एज यू कैन, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। क्यों बोल रहा हूं ये बात में, क्योंकि जितना पेपर आप सोल्व करेंगे उतना ही कॉम्प्रीहेंसिव पढ़ेंगे। और मैंने आपको पहले बोला, सबसे पहले स्लाइड में ये बोला था, डू रीड ए लॉट ऑफ बुक्स, समझ में आ गया। तो कॉम्प्रीहेंसिव पढ़ना है, मॉक टेस्ट देने हैं ताकि आपके ग्रामर पोर्शन आप इंप्रूव कर सकें, ठीक है। ये बात थी ग्रामर की। देखो, आपके कुछ ना कुछ बात करते हैं फैंटेसीज की, बिल्कुल पढ़ाई की बात से थोड़ी अलग बात भी करते हैं। देखो, बात ये होती है कुछ चीज सिखाने के लिए आपको जरूरी नहीं कि वो बुक में ही मिले, है ना। वो आपको किसी अच्छी, जैसे आप जो आपकी लीग से हटकर बुक हो सकती है उनसे मिल सकता है, कुछ आपके टीवी सीरियल्स हो सकते हैं उनसे भी मिल सकता है, कुछ आपकी मूवीज होती हैं उनसे भी आपको सीख सकते हो। सीखने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप बुक से ही पढ़े, मेरे कहने का मतलब ये है। तो आप सोचिए कि आपकी फैंटेसीज क्या है, आपकी वो चीजें आपको खुशी देती हैं, प्लेजर देती हैं, आपको कंफर्टेबल बनाती हैं। सो स्टार्ट रीडिंग नॉवल्स इन अकॉर्डेंस विद योर फैंटेसी। आपकी जो फैंटेसी है, आपको क्राइम पसंद है, ऐसा नहीं होगा क्राइम पसंद है, बट क्राइम आपकी जो इन्वेस्टिगेशन वाले आपके नॉवेल्स पसंद है वो पढ़िए, ठीक है। आपको कॉमेडी पसंद है वो पढ़िए, आपको रोमांस पसंद है तो वो चीजें पढ़िए। मैं नहीं कहता कि आपको कोई चीज नहीं पढ़नी है, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उस चीज की बुक पढ़िए तो सही, और इंग्लिश में पढ़िए ना, हिंदी में नहीं पढ़ना, देखो इंग्लिश की बात कर रहे हैं। सो इंग्लिश में पढ़िए, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट आता है वो पढ़िए, ताकि आप उस चीज को कम से कम ग्रेस्प करने लग जाएंगे, उस चीज को समझने लग जाएंगे, ठीक है। उसके आप गो थ्रू होंगे तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आएगा। और बात होती है यहाँ पे आपकी जो हॉबी की, है ना, आप उससे इंटरेक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तभी मैंने बोल रहा कि आपकी जो फैंटेसी है, आपकी ड्रामा रोमांस कॉमेडी जो भी आपका है उससे रिलेटेड कोई आपके पास नॉवेल होगा, मंगाइए, खरीदिए, ठीक है, उसको पढ़िए, समझ में आ गया। एंड स्टार्ट कर दो, कोई स्टार्ट ही नहीं किया आपने अभी तक, सो स्टार्ट करें इंडियन नॉवेल से, उनकी थोड़ी इंग्लिश थोड़ी इजी रहेगी, ग्रैस्प होगी, कुछ स्टोरीज मैच करेंगी आपकी स्टोरीज के साथ में, इंटरेस्ट आएगा, पढ़ोगे, इंप्रूवमेंट होगा। सो किक ऑफ विद इंडियन नॉवेल्स, ठीक है, ये आपकी फैंटेसीज की बात होगी। अब देखो, इट्स अ सो टाइम, सो इसका मतलब क्या है, इट्स अ सो टाइम का मतलब, कहने का मतलब ये कि जो मैंने फॉलो किया उसकी बात कर रहा हूं, मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी वो मैं बात कर रहा हूं। देखो, मुझे ऐसा चाहिए था, मुझे ऐसा लगा कि कुछ इंग्लिश सीरियल्स देखने से, कुछ इंग्लिश न्यूज देखने से कुछ इंप्रूव होगा, इंग्लिश इंप्रूव होगी, बिल्कुल सही तरीका है यदि आप उसको फॉलो करते हैं। तो आपने बस एंटरटेनमेंट के लिए उसको देखा है तो वो आपके एंटरटेनमेंट है, यदि आपने उसको पढ़ाई के नजरिए से भी देखा है तो आपके लिए वो और बेनिफिशियल हो सकता है। सो वॉच सम इंग्लिश लैंग्वेज टेलीविजन शोज दैट कंटेन सबटाइटल्स इन इट, ऐसे शो देखने हैं, ठीक है, आपको पसंद आए वैसे देखने हैं जिसमें आपके सबटाइटल भी हों, तो नीचे सबटाइटल चलेगा, उन्होंने क्या बोला, उनके बोलने का तरीका क्या था, वो आपको पता लगेगा, ठीक है। मैं बात करता हूं, यदि आप, मैं नहीं कहता कि आप किसी से कंपेयर करें, है ना, मान लो कोई आपका गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा है फॉर अ सजेशन, गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा है, तो आपको पता है गेम ऑफ थ्रोन्स इज क्वाइट लाइक यू नो सीरियस, है ना, क्वाइट सीरियस, यदि आपको पसंद नहीं है वो तो कोई नहीं, आपको उसको कंपेरिजन करना, उससे आपकी उसकी लीग से हटकर नहीं चलना है, आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि आपको क्या पसंद है। मान लो आपको पसंद है कि मुझे कॉमेडी पसंद है,
सो आई लाइक कॉमेडी, मुझे कॉमेडी पसंद है, तो मैंने कुछ ऐसा आपका शो चाहिए था जो थोड़ा कॉमेडी हो, है ना, और छोटा भी हो, और मुझे उसे इंग्लिश भी सीखने को मिले। मैंने चुना फिर फ्रेंड्स, ठीक है, आई वुड लाइक टू सजेस्ट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपका टीवी एक्टर से शो है, अभी नहीं है, पहले था, आप इसको देखें, ये आपको अच्छा लगता तो उसको देखें, इसको इंप्लीमेंट करें, इट विल ग्रो यू सोशली एज वेल एज ग्रामरली, गारंटी लेता हूं इसकी बात। मैंने इसको देखा है, इसको 2 से 3 बार देख लिया है, मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ एंटरटेन किया, मैंने वो चीज सीखी जो मुझे नहीं पता थी। और एक बात और, अमेरिकन टीवी शो है, बट आई बेट यू विल बी हैबिचुएटेड टू फ्रेजेस, इतनी सारी फ्रेज आएंगी इस शो के अंदर, इतनी सारी फ्रेज आएंगी, इतनी सारी इडियम्स आएंगी, आप सोचोगे कि इतनी सारी फ्रेज तो मुझे बुक में नहीं मिली। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, मैंने देखा है, आप उसको देखिए, और हाँ अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए, आपको जो पसंद है जैसा पसंद है आप उसको देखना स्टार्ट कीजिए, कुछ इंग्लिश शो देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है, चाहो तो आप इंग्लिश न्यूज देख सकते हो, जो न्यूज आपको पसंद है इंग्लिश न्यूज देख सकते हो, कुछ भी इंग्लिश से रिलेटेड चीज है वो आप अपने हैबिट में लाएं ताकि आपको पता लगेगा। बात कर रहा था वहां फ्रेज की, सो टेक ए लुक एट दिस वन, आई हैव अ डेजा वू ऑफ योर सिलेक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो आपको पता है डेजा वू जो मैंने लिखा है ये आपकी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फ्रेज है ना, इडियम बोल दो फ्रेज बोल दो, आपकी इंपॉर्टेंट वर्ड है डेजा वू, ठीक है, आपको इसका मतलब नहीं पता होगा बट मुझे पता है बिकॉज मैंने आपका ये वाला आपका शो देखा है, मुझे इतनी सारी फ्रेज नहीं पता चली है, इतने सारे वर्ड्स नहीं पता चले हैं, आपको भी लगेगा कि हाँ मुझे कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। देखें कंसिडर करते तो करें, मेरा सजेशन था कि मैंने आपको कैसे मैंने इसको कैसे हैंडल किया, ठीक है, सबटाइटल्स होने चाहिए नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आई हैव अ डेजा वू ऑफ योर सिलेक्शन, अच्छा सेंटेंस था, मैं होप करता हूँ कि आपका इस साल सिलेक्शन हो जाए, नया साल स्टार्ट हुआ है। सो गो थ्रू द टॉपिक्स ऑन अ डेली बेसिस एंड परसेवरेंस आर द की फैक्टर्स, कहने का मतलब किसी टॉपिक से बार बार गुजरना, उसको बार बार पढ़ना, एंड परसेवरेंस, परसेवरेंस अच्छा वर्ड है, वोकैबुलरी का वर्ड है, आपको याद होना चाहिए, जितनी भी हर्डल्स होती हैं उनको नजरअंदाज करते हुए कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना, दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस। सो कोई भी आपके एडवर्स कंडीशन हैं आपके सामने, उनको आप साइड में कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, कंटिन्यूस आगे बढ़ते रहिए, ये आपके की फैक्टर्स हैं जो आपको अपने सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। एंड आई मेंशन आई हैव अ डेजा वू ऑफ योर सिलेक्शन इन ए न्यू ईयर, ठीक है। सो ना कंप्लीट सेशन था, आपको लगा होगा कि मैंने कुछ आपको अलग बताया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, उनको भी बताएं कि कुछ डिफरेंट मेथड्स भी हैं इंग्लिश सीखने के, ठीक है, और आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।